कृषि सुधार बिल की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में भाजपा किसान मोर्चा अभियान चलाएगी। किसान मोर्चा ने लक्ष्य रखा है कि वह प्रदेश के 2 लाख किसानों तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि देश के पीएम द्वारा पिछले 70 सालों बाद किसानों को हक में विधेयक लाया है। किसान मोर्चा बताएगा कि किसान हितैषी इस विधेयक के खिलाफ विपक्षी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। शिमला जिला के रामपुर में किसान मोर्चा की बैठक लेने के बाद हिमाचल प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हर बूथ पर 15 किसान प्रहरी तैयार किए जाएंगे, जो किसानों को कृषि विधेयक की खूबियों से अवगत कराएंगे। इस दौरान विपक्ष द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार का भी जवाब दिया जाएगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी ने कृषि विधेयक पारित किया है, उसके लिए हम किसान मोर्चा की ओर से हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। और हमने इस बिल को गांव-गांव तक, इसके जो लाभ हैं किसानों के हित में जो फैसले हैं उनको लेकर हिमाचल प्रदेश में 2 लाख परिवारों तक जाएंगे और वहां पर जाकर इसका पूरी जानकारी गाँव तक पहुँचाएंगे। और हमने हर बूथ के ऊपर, आज रामपुर में भी जो बैठक सम्पन्न हुई, हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी वो इन सारी योजनाओं को गांव-गांव तक, गांव के किसानों और बागवानों तक ले जाएंगे और वहां पर जो समस्याएं हैं किसानों और बागवानों की, उन समस्याओं को सरकार तक, चाहे प्रदेश सरकार की बात है चाहे केंद्र सरकार की बात है, ये संगठन के ढांचे के रूप में हम जनता के बीच, किसानों के बीच और सरकार के बीच समन्वय का काम किसान प्रहरी